फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे टू यू सर, और आपका बर्थडे जो है ग्रेट मैन शो में राजकपूर के साथ में, सो हाउ डू यू थिंक दिस रिसेम्बलेंस? यार मेरा राजकपूर से बच्चों से मैं दो एक नंबर है सर, एक थे धर्म के साथ और एक थे धर्म जी के लिए भी किसी खास स्थिति की मैं पहली बार लाइफ में छोटी भी मैंने धर्म के साथ की और उनको भी मैंने प्रेम की पिछले दिन में मैंने उनको भी गाने में रखा था कि मैं फिल्म में और इस बार तो मैंने फिल्म ही राजकपूर साहब की लाइफ में बना दी और उनका नाम भी मतलब लाइफ में भी लाइफ तो मेरी है बट उनका नाम लेके उनको देख दिया। चार साल पहले आपने फिल्म की थी, उसके बाद चार साल के बाद ये फिल्म आ रही है, तो कैसा चार साल के बाद देखिए उसमें से दो साल तो खराब ही हो गए क्योंकि वो कोरोना में शायद दुनिया ही चले गए थे, तो जबकि मैंने तो अगली साल शुरू कर दी थी मूवी, लेकिन उसकी मूवी दो साल से नहीं होगी। अभी वो पहली मूवी बनाना मेरा कॉमेडी ट्रैक था, कॉमेडी इसलिए बनाया था मैंने क्योंकि लोग आए थे, अब जबकि लोगों ने मेरी वो फिल्म देखी और अप्रिशिएट की, तो अभी जो मैंने सेकेंड मूवी बनाई है वो मूवी मैंने वैसी बनाई है जो मैं दिल से बनाना चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ आप फिल्म देखेंगे तो आपको ट्रेलर बहुत ऑसम है। लास्ट वीक के कंपेयर में देखे थे आपके शॉर्ट्स, आपके म्यूजिक कंपोजिशन और यू नो ट्रेनिंग बहुत परफेक्ट लगा, तो यू थिंक कि इंसान काम करते जगह आते मुझे इम्प्रोवाइज करता है? ऐसा नहीं, इम्प्रोवाइज पहले दिन से ही मैं फिल्म से डायरेक्टर के साथ मैंने एक्टिंग की है, तो मैं डायरेक्शन में किसी बट इन कंपेयर में लास्ट वीक, लेकिन ये है कि जब भी आप नया काम करते हो तो नए थॉट आते हैं, फिर वो काम में आपको कुछ कमी दिखती है तो नेक्स्ट टाइम आप उसको इम्प्रूव करते हैं, तो ये जो प्रोसेस है डेवलपमेंट का ये तो सबका चलता है। लास्ट में भी आपके साथ दोस्ती नहीं रही थी, इसमें जो भी दोस्ती नहीं रही, हाँ वो पैटर्न है मेरा। ये कहानी कुछ इस टाइप की है जिसमें तीन हीरोइनें, क्योंकि मेरा नाम जोकर जो उनकी फिल्म थी उसमें तीन हीरोइनें थी और इसमें मैंने उस वजह से नहीं डाला है, लेकिन मेरी फिल्म का कंसेप्ट ऐसा था। आपने बताया कि कैरेक्टर जो इसका फैन है राजकपूर से, ये आपका रेफरेंस है, आप उनके फैन है, तो क्या इस फिल्म में क्या है उसमें देगा ऑडियंस थिएटर पर जाएगी, उनसे आप क्या बोलना चाहेंगे ऑडियंस या राजकपूर से? मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा मेरे ऑडियंस से कि आप फिल्म देखने जाओ ये सोच के कि मैं अच्छी मूवी देखने जा रहा हूँ, ये सोच के मत जाना कि अगर आप सच में चाहते हैं कि एक अच्छी मूवी देखना तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, और मेरा बहुत याद रखिएगा कि आपको फिल्म देखने के बाद जरूर अच्छी रहेगी, इतना मेरा दावा है। Once again, thank you so much, sir. And good luck for you. Thank you.